हेलो क्लास इलेवेंथ चैप्टर सिक्स पाइथन फंडामेंटल में आज हम देखेंगे आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का सिंटैक्स होता है नॉर्मली प्रिंट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन यूज़ द सेपरेटर्स एंड स्ट्रिंग वी कैन यूज़ योर तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए जैसे प्रिंट हैलो प्रिंट हैलो ये पहला एग्जांपल आपका है जो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है है ना एज अ कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे हैलो प्रिंट हो रहा है उसके बाद में प्रिंट सेवेंटीन पॉइंट फाइव ये एक नंबर है कांस्टेंट है वो आपका प्रिंट होगा एज इट इज़ उसके बाद में ये आपका प्रिंट में आपका थ्री पॉइंट वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई आर आर तो ये एक एक्सप्रेशन प्रिंट होने जा रहा है एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा इवेलुएट होने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट होता है अब यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि प्रिंट आई एम ट्वेल्व प्लस फाइव एंड योर ओल्ड अब देखेंगे जो डबल कोड में वैल्यू है वो एज इट इज़ आपके प्रिंट होती है और आई एम एज इट इज़ आपका प्रिंट होगा और ये ट्वेल्व प्लस फाइव ये ई होगा जैसे फाइव एडिशन करके सेवेंटीन आपके सामने शो करेगा ईयर्स ओल्ड इस तरीके से आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा और भी एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे एग्जाम्पल वन देखिए कि पाइथॉन डबल कोट के अंदर दिया गया कि पाइथन इज़ वंडरफुल तो इट विल एज प्रिंट लाइक पाइथन एज इज़ वंडरफुल जैसा है वैसा ही प्रिंट होगा उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सम ऑफ टू एंड थ्री इज दैट इज टू प्लस थ्री तो वो कैसे इवेल्यूएट सबसे पहले टू प्लस थ्री इवेल्युएट करेगा फिर वो स्ट्रिंग के सामने जो वैल्यू वो प्रिंट करेगा तो देखिए आउटपुट इसका क्या आएगा सम ऑफ टू एंड थ्री इज फाइव ठीक उसी तरीके से ए इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अब ए में क्या है ट्वेंटी फाइव प्रिंट में क्या कर रहे हैं हम लोग डबल ऑफ ए डबल ऑफ डबल ऑफ़ एज इट इज़ प्रिंट होगा डबल ऑफ ए ए यहाँ पे क्या है वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव तो डबल ऑफ ट्वेंटी फाइव फिर ये आपका डबल कोड में आया इज एट इज एज इट इज़ प्रिंट होगा और इज के बाद में ए इंटू टू दैट इज़ ट्वेंटी फाइव इंटू टू दैट इज़ फिफ्टी तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होकर आपके सामने मॉनिटर पे प्रिंट होगा डबल ऑफ ट्वेंटी फाइव इज फिफ्टी नाउ कंसिडर सम मोर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स और भी है जैसे प्रिंट ओ बीजे या ऑब्जेक्ट है जो भी वेरिएबल्स है आप यहाँ पे देंगे और ओ बीजे वन ओ बीजे टू ऐसे कॉमा करके आप सेपरेट करके देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट एक सिंगल ब्लैंक लाइन प्रिंट करता है कुछ भी नहीं उसके बाद में जैसे ये ओ बी जे वन हैज मोर वैल्यू देन ओ टू एज इट इज जो भी है वो प्रिंट करेगा जो भी आप डबल कोड के या सिंगल कोड के अंदर दे रहे हैं देन ओ वन मतलब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू इज लेसर देन ओ टू मतलब ओ वन में जो भी वैल्यू है वो फिर इज लेसर देन स्ट्रिंग प्रिंट होगा उसके बाद में ओबी टू में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगा और जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे आपका सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा the output this print function you will be able to determine is the value of variable obj obj1 obj2 and obj3 are known to you the values mein kuch na kuch hongi a print without any value or name or expression prints a blank line और विदाउट जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने बोला था कि प्रिंट ये single line blank line print प्रिंट करता है तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि एक blank line print करेगा द फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट के क्या क्या फीचर्स है इट ऑटो कन्वर्ट द आइटम टू स्ट्रिंग तो जो भी ऑटो कन्वर्ट आइटम जो है वो स्ट्रिंग टू ऑटो कन्वर्ट कर लेता है इफ़ यू आर प्रिंटिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू जो भी वैल्यू न्यूमेरिक आप प्रिंट करने जा रहे हैं इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट टू इक्वीवेंट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट तो उसको एज अ स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट करके प्रिंट करता है फॉर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इट फर्स्ट इवेल्यूएट जो भी आप न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आप प्रिंट स्टेटमेंट में दे रहे हैं उसको पहले ही इवेल्यूएट करता है एंड देन कन्वर्ट द रिजल्ट टू द स्ट्रिंग तो जो भी

तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है सेपरेटर्स की स्पेस होती है तो हर एक स्ट्रिंग जो होता है वो एक सिंगल स्पेस के थ्रू सेपरेट होकर प्रिंट होता है द स्पेस आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई द सेपरेटर कैरेक्टर द प्रिंट ऑटोमेटिकली एड द सेप करेक्टर बिटवीन द आइटम्स ऑफ जेट बींग प्रिंटेड इन अ लाइन इफ यू डू नॉट गिव एनी वैल्यू फॉर सेपरेटर देन बाई डिफॉल्ट द प्रिंट विल एड अ स्पेस इन बिटवीन द आइटम विन प्रिंटिंग तो जैसे भी आप जैसे कुछ भी नहीं दिया आपने सेपरेट में तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है सिंगल स्पेस इंक्लूड करके वो आपके सामने प्रिंट करता है जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने ये स्ट्रिंग दिया डिफरेंट डिफरेंट कॉमा कॉमा करके हमने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है माए अलग दिया है नेम इस हम एक सिंगल एक एक ही बार में कोर्ट के अंदर भी कम, आ, ए, एंडिंग में हम कंप्लीट कर, कर सकते थे लेकिन यहाँ पे क्या किया पहले माय फिर नेम इज अमित अभी अलग अलग स्ट्रिंग दी है अब इन अलग अलग स्ट्रिंग में जो ऑटोमेटिकली सेपरेट होंगे अलग अलग स्ट्रिंग एक सिंगल स्पेस से ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि डिफॉल्ट वो ऐड करता है ना तो इस तरीके से वो प्रिंट होगा माय नेम इज अमित उसके बाद में यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सेपरेटर कैरेक्टर विद सेपरेट आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फ्रेंिट तो इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे सेपरेट कैरेक्टर सिंगल स्पेस था बाई डिफॉल्ट था यहाँ पर है ना नहीं भी दिया था तो भी इसने क्या लिया था बाई डिफॉल्ट सिंगल स्पेस कंसिडर किया था लेकिन अगर आपको ये सेपरेटर कैरेक्टर कुछ डिफरेंट डालना है तो आप यह सेपरेटर कैरेक्टर एस सी पी एस सी पी आप आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन में तो एस सी पी इक्वल टू आपने वैल्यू के पास की थ्री डॉट्स तो हर एक स्ट्रिंग इसमें जो भी प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी स्ट्रिंग है वो किससे सेपरेट होगा थ्री डॉट से सेपरेट होगा तो इट विल प्रिंट लाइक दिस माय डॉट 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 नेम डॉट 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 इज डॉट 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 अमित इस तरीके से ये सेपरेटर्स जो है हर एक स्ट्रिंग को सेपरेट करेगा विद दिस कैरेक्टर जो भी हमने सिंगल कोट में यहाँ पे सेपरेटर में दिया है वो है ना और भी एग्जाम्पल होंगे मैं आगे और बताऊंगी इट अपेंड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर्स एट एंड अब यहाँ पे जो हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं अब यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में हमने कुछ भी नहीं

explicitly give an end argument अगर आप end argument देना चाहते हैं कि new line character ना बल्कि हम कोई और character हम print करना चाहेंगे तो उसके लिए हम end argument दे सकते हैं with end of line है ना end of line के लिए हमको क्या करना है तो उसके लिए हम end argument का use करेंगे है ना With print function then the print will print the line and end it with the string specified with the end argument है ना तो यहाँ पे देखिए प्रिंट माई नेम इज अमित फिर एंड कैरेक्टर यहाँ पे दे दिया है डॉलर और उसके बाद में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है आई एम सिक्सटीन यूर ओल्ड अब यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए माई नेम इज अमित एंड कैरेक्टर आपका डॉलर साइन है डॉलर साइन के साथ में आपका न्यू स्टेटमेंट आपका प्रिंट आया मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर लिया क्या इसने नहीं अभी उसने कौन सा लिया एंड कैरेक्टर जो आपने डॉलर दिया था वो उसने लिया और नेक्स्ट स्टेटमेंट को उसने प्रिंट किया सो द एंड आर्ग्यूमेंट डिटरमाइंस द एंड कैरेक्टर दैट विल बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द प्रिंट लाइन एंड ऑफ द प्रिंट लाइन में वो जो भी कैरेक्टर

or the reason for the above output is quite clear since There is n characters given as a space that is single space in the first print statement. The new line character is not appended at the end output generated by the first print statement. Thus the output position cursor stays on the same line. Hence the output of a second print statement appears in the same line. है ना? Now you can predict the output of the यहाँ पे कुछ कोड दिया है, अब इसको आपको प्रैडिक्ट करना है कि क्या इसका आउटपुट होना चाहिए। अब जैसे नेम में क्या असाइन किया इंट्रेस्ट। फिर प्रिंट करने जा रहे हेलो एंड एंड अब हेलो प्रिंट होगा उसके बाद में एक सिंगल स्पेस आएगा उसके बाद में नेम क्या है नेम के अंदर क्या है इंथुजस्ट इंथुजस्ट फिर उसके बाद में क्या प्रिंट होना चाहिए हेलो इंथुजस्ट आपका ये आउटपुट आएगा उसके बाद में फिर क्या प्रिंट कर रहे हो आप हाउ डू यू फाइंड पाइथन उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा हाउ डू यू फाइंड पाइथॉन तो ये आपका आउटपुट आना चाहिए ये देखिए विल यू गेज इट राइट येस हेलो एंथुजियास्ट देन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आपका हेलो

प्रिंट uh, हैलो अब नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे देना है तो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन में आने के लिए आपने क्या दे दिया स्लैश दे दिया फिर एंड करके अपने सेपरेटर कैरेक्टर दिया